हेलो गाइस, तो अपन ने एक ड्रग पढ़ चुके हैं अपन पहले से ही, पेनिसिलिन को पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ते हैं दूसरी एंटीबायोटिक्स को पढ़ते हैं, जिसका नाम है सिपेलोस्पोरिन। सिपेलोस्पोरिन जो होती है ये क्या होती है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सिपेलोस्पोरिन आर सेकेंड मेजर ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम। जो बीटा लैक्टम जो मेजर ग्रुप है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का, सिपेलोस्पोरिन क्या होती है, सेकेंड मेजर ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक्स होती है। तो अपन ने जो पेनिसिलिन पढ़ी वो भी क्या थी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली थी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी। तो ये जो सिपेलोस्पोरिन है दूसरी सेकंड मेजर ग्रुप है किसका, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स का, और ये क्या होती है, पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक होती है, जो कि पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है उसके द्वारा रेसिस्टेंट देने का काम करती है। दे वर आइसोलेट फ्रॉम कल्चर ऑफ सिपेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम बाय इटालियन साइंटिस्ट ग्यूस्पा ग्रोटजू इन 1945। जो सिपेलोस्पोरियम जो सॉरी सिपेलोस्पोरिन है वो जो है आइसोलेट किया गया, कल्चर किया गया सिपेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम नाम का जो एक फंजाई है उसके द्वारा। और ये किस वैज्ञानिक ने किया, गिस्पी ब्रोडजू नाम के एक वैज्ञानिक था उसने 1945 में। डिराइव्ड फ्रॉम द फंगस एक्रोमोनियम विच वाज प्रीवियसली नाउन एज सिपेलोस्पोरियम। जो फंगस एक्रोमोनियम है उसे पहले क्या कहा जाता था, सिपेलोस्पोरियम कहा जाता था। फर्स्ट कमर्शियली सिपेलोस्पोरिन जो होती है वह सिपेलोथीन। जो सिपेलोस्पोरिन है उसमें से जो उसका क्लासिफिकेशन है उसमें से एक ड्रग है सिपेलोथीन, वो सबसे पहले लॉन्च की गई एली लिली द्वारा इन 1964 में। ठीक है, तो ये रखना है आपको सिपेलोस्पोरिन के बारे में कि सिपेलोस्पोरिन जो होती है बीटा लैक्टम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, और ये भी सेकेंड मेजर ग्रुप होता है इसका, ये सिपेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम से प्राप्त होती है, और इसका यूज 1964 में एली लिली के द्वारा किया गया था। अब इसकी स्ट्रक्चर ये ऐसी होती है, ये देख सकते हैं आप, पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सिपेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। अब अपन बात करें सिपेलोस्पोरिन के क्लासिफिकेशन की, तो सिपेलोस्पोरिन क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी ड्रग आती है वो देखते हैं। पेरेंट्रल जो ड्रग दी जाती है यानी सिस्टमेटिक जो ड्रग दी जाती है यानी ओरली, वो कौन सॉरी पेरेंट्रल का मतलब होता है इंजेक्शन के रूप में, सिपेलोथीन सिपेलोरोडीन एंड सिपेजोलिन। ओरल में सिपेलेक्सिन सिपे हाइड्रोक्सिल, और ओरल और पेरेंटल दोनों में सिपे हेरेडिन दी जाती है। ये क्या होती है, फर्स्ट जनरेशन में यूज की जाने वाली ड्रग्स है। अब बात करें सेकेंड जनरेशन की, सेकेंड जनरेशन पेरेंटल जो होती है वो है सिपामाइसिन सिपोजिथिन सिपोटेटिन टेन सिपामेटाजोल सिप्यूरोक्सम। ओरल में सिपेक्रोलर सिपेप्रोजाइल सिप्रोक्सम एक्जिटिल। ये क्या होती है सेकेंड जनरेशन में सिपेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो पेरेंटल में आता है सिपोटेक्सामाइन सिपेटोक्सामाइन सिपेट्राजोन सिपेट्राजाइडाइम एंड सिपे सिपोपेराजोन। ओरली में बात करें सिपेक्सम सिपेप्रोटाक्सम प्रोक्सेटिल सिपेडिनिर। ये थर्ड जनरेशन हो गई। फोर्थ जनरेशन की बात करें पेरेंटल में आता है सिपेपाइम सिपेपायरोम पेरेंटल में वही। फिफ्थ जनरेशन जो होती है उसमें आता है सेप्टोबाइप्रोल सेप्ट्रोरलिन एंड सेप्ट्रोलुजेन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पूरा क्लासिफिकेशन हो जाता है सिपेलोस्पोरिन का। अब अगर अपन सिपेलोस्पोरिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि किस प्रकार ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, तो सिपेलोस्पोरिन आर क्लिनिकली एंड फार्माकोलॉजिकली सिमिलर टू पेनिसिलिन। सिपेलोस्पोरिन जो होता है पेनिसिलिन की तरह ही फार्माकोलॉजिकली और क्लिनिकली सेम होता है, क्योंकि ये जो ड्रग है भी बैक्टीसाइडल होती है और पेनिसिलिन की तरह ये भी इनहिबिट कर देती है सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वाल को, यानी सेल वाल को जो सिंथेसिस हो रहा है उसको नष्ट कर देती है, उसके इनहिबिट कर देती है एंड कॉजिंग रिपीट सेल लाइसिस और जो सेल लाइसिस को बढ़ा देती है। सिपेलोस्पोरिन डिसरप्ट द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर फॉर्मिंग द बैक्टीरियल सेल वाल। जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो बनाती है किसको, बैक्टीरियल सेल वाल को बनाती है, उसको डिसरप्ट करने का काम कौन करती है, सिपेलोस्पोरिन करती है। अब अपन बात करें सिपेलोस्पोरिन इंडिकेशन एंड यूजेस की, किस किस में यूज की जाती है सिपेलोस्पोरिन, तो आता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसमें यूज की जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन या फिर सेप्टिसीमिया है उसमें यूज किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में यूज की जाती है सिपेलोस्पोरिन मेनली। दे यूज टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया, ब्रोंकाइटिस गोनेरिया इन्फेक्शन ऑफ द ईयर हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन इन्फेक्शन ऑफ टॉन्सिल्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनमें इसका यूज किया जाता है। अब अपन बात करें बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज मेनिनजाइटिस निमोनिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सेप्सिस गोनोरिया सेलोटिस सीरियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंडोमेट्राइटिस इनमें यूज की जाती है। अब सिपेलोस्पोरिन का अगर अपन साइड इफेक्ट की बात करें तो स्टोमक डिस्कम्फर्ट होगा,
नोजिया वोमिटिंग अगर आपने साइड इफेक्ट का मतलब अगर आपने ओवर डोज ले ली या फिर ठीक है, तो उसके कौन कौन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, स्टमक डिस्कम्फर्ट, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया, थ्रस, व्हाइट फंगस इन द माउथ, यीस्ट इन्फेक्शन और अदर फंगल इन्फेक्शन और ब्लड एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस, हेडेक, डिजीनेस, एंग्जायटी, ड्राउसीनेस, इंक्रीज नाइट टाइम यूरिनेशन, रनी नोज, सोर थ्रोट, इन ओवरडोज, कफ और वजाइनल इचिंग एंड डिस्चार्ज। ठीक है, अब कॉन्ट्रा इंडिक्शन की बात करें, किस किस में यूज नहीं कर सकते, तो यूज सिफिलोस्पोरिन कॉन्स्टिटिवली इन द पेशेंट हु आर एलर्जिक टू पेनिसिलिन, जिसका जो व्यक्ति पेनिसिलिन से एलर्जी होती है जिस व्यक्ति के, उसे अपन सिफिलोस्पोरिन नहीं दे सकते। यूज कॉन्टिन्यूसली विद प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, उनको नहीं दे सकते, और हिस्ट्री ऑफ जीआई डिसऑर्डर हो, किसी का जीआई डिसऑर्डर है उसको अपन सिफिलोस्पोरिन नहीं दे सकते। ठीक है, सिविल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है किसी व्यक्ति के, उसको नहीं दे सकते। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इंक्लूडिंग शॉक एंड फेटल हैव बीन रिपोर्टेड विद स्पेक्जिम, दे शुड बी यूज विद प्रिकॉशन टू अवॉइड पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से वही हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, उस पेशेंट को अपन को सिफिलोस्पोरिन भी नहीं देनी है। सिफिलोस्पोरिन ड्रग इंट्रैक्शन, किस किस ड्रग्स के साथ अपन उसको नहीं देना चाहिए, किसको, सिफिलोस्पोरिन को, तो सिफिलोस्पोरिन शुड नॉट यूज टू विद पेनिसिलिन, दे शुड बी गिवन सेपरेट साइड टू प्रिवेंट इन एक्टिवेशन। सिफिलोस्पोरिन जो होती है उसका यूज अपन को पेनिसिलिन के साथ नहीं करना है। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है आपको, सिफिलोस्पोरिन विद अमाइनो ग्लाइकोसाइड इनक्रीज द रिस्क ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और सिफिलोस्पोरिन का यूज अगर आपने अमाइनो ग्लाइकोसाइड के साथ यूज कर लिया तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। सिफिलोस्पोरिन इन एडिशन टू एंटीकोगुलेंट्स एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग ब्लीडिंग, और जो सिफिलोस्पोरिन है वो अगर उसके अलावा बात करें तो एंटीकोगुलेंट्स की तरह काम कर सकती है, जिससे इंक्रीज ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। एल्कोहल वाइल रिसीविंग सिफिलोस्पोरिन और 72 आवर्स आफ्टर रिसीविंग कॉज डाइसल्फियम लाइक रिएक्शन, अगर आपने एल्कोहल के साथ सिफिलोस्पोरिन को लिया है 72 आवर्स तक लिया है या फिर रिसीविंग कॉज डाइसल्फियम जो है उसकी तरह रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पूरा अपना सिफिलोस्पोरिन हो जाता है।